Hello students, welcome back in my physics class. And today I'm going to discuss the numericals of class 9th of chapter motion. Students, I will write the question first, then explain here. The question is written here, already it is written. Kya? An athlete completes one round of the circular track. Iska matlab? First of all, you draw a circular track of diameter 200. Yani this is 200 meter, right? In 40 second. ठीक है? In 40 second. मतलब एक round, one round. कितने देर में लगाता है? 40 second में. तो ये ट्रैक कैसा है? ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये बी पॉइंट है, फिर ए पे बी पे ऐसे राउंड लगाता रहता है. इसका मतलब एक राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए, डिस्टेंस इन वन राउंड क्या होगा? दैट विल बी टू पाई आर, द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. क्लियर? ओके. टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट का मतलब 2 into 60 120 और प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड, राइट? ठीक है, दिस इज 140 सेकेंड टोटल टाइम. अब कहते हैं कि 40 सेकेंड में वन राउंड होता है. वन राउंड कितनी देर में होता है? 40 सेकेंड. वन टाइम टेकन इन वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड. एक राउंड में टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड. ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? इतना. तो इतने एक राउंड में 40 सेकेंड है, 140 सेकेंड टोटल टाइम चलता है, तो कितने राउंड लग जाएंगे? तो कहते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन राउंड, एंड दैट इज 140 अपॉन 40, एंड दैट इज 3.5 राउंड. नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए? 3.5 राउंड. अब 3.5 राउंड में ये कहां पहुंचेगा? देखिए, एक राउंड का मतलब यहां आ गया एक, फिर चला दो, फिर चला तीन, और तीन के बाद कितना है? हाफ. तो हाफ यहां आएगा. इसका मतलब आफ्टर 3.5 राउंड्स ही विल बी एट पॉइंट बी. बी पर होगा, राइट? तो अब क्या कहते हैं, क्या निकालना है आपको? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अब शुरुआत करते हैं. देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2πr इंटू नंबर ऑफ राउंड. एक राउंड का डिस्टेंस 2πr इंटू नंबर ऑफ राउंड मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज 2 into 22/7 इंटू आर. डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर इंटू 3.5, दैट विल गिव यू 2 कैंसिल हो गया, यानी 2200 मीटर.
देखिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ प्रोसीजर समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन अगर कहीं एरर हो, यूनिट क्या है देखता हूं, सेकंड, मीटर, मिनट, बिल्कुल सही है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था और फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगी, दैट इज 200 मीटर, दैट्स इट, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इसको नोट करिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट रोड 300 मीटर। डायग्राम देखिएगा, यहां से यहां ए से बी और ये डिस्टेंस क्या है 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 देखते हैं, एंड देन टर्न्स अराउंड, यहां से चला फिर वापस मुड़ा एंड जॉग्स 100 मीटर और वापस आकर के उसी ट्रैक पे यानी सी पे आ जाता है और ये कितना है, दिस इज योर 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। यहां टाइम कितना है, T1 इज योर 2 मिनट 30 सेकेंड, वन मिनट, राइट। कहते दोनों ए से बी तक में और ए से सी तक में, यानी ए से बी तक और ए से सी तक में, दोनों में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए आंसर, फ्रॉम ए टू बी पहले क्या निकाला जाए, टोटल डिस्टेंस, कितना है, क्लियर है, 300 मीटर नेट नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी तो ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज 300 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल। अच्छा टाइम कितना लग रहा, तो ए से बी तक का टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज 2 का मतलब 120 प्लस 30, 150 सेकेंड, राइट। तो अब पहला एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 150, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट, नो, राइट। अब फ्रॉम ए टू सी, ए से बी पे जाकर के वापस सी पे आ रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 प्लस 100, दैट इज 400 मीटर और नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से चला 300, फिर 100 वापस आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एसी होगा ना, एसी, एंड दैट इज 200 मीटर। ध्यान रखिएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो 300 माइनस 100, दैट इज 200, दैट इज देयर फॉर, फिर आते हैं देयर फॉर
टोटल सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड दैट इज 400 अपॉन 2 मिनट यानी 150 सेकेंड। यहां पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट है टोटल टाइम, टू पॉइंट 30 प्लस 1 यानी 3 कितना हो जाएगा? 3 मिनट 30 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब 210, that is 210 सेकेंड। ये मिनट में लिखा है मैंने, दिस इज इन द मिनट, कन्वर्ट करेंगे तो 210 सेकेंड आ जाएगा। तो अब 200 नहीं रहेगा ना, इट विल नॉट बी 200, व्हाट इट विल बी 210। और ये मुझे लगता है 2 भी नहीं होगा, दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज स्पीड हमारी आ रही 2 मीटर पर सेकेंड की, और ए से सी में एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड की। अच्छा, अब यहां पे बचा एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था वो सेम था, दैट इज 300, टाइम भी हमारा वही है 150, एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक के केस में हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखते हैं क्या, ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड दैट इज हाउ मच, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई 200, और टोटल टाइम क्या है 210। तो ये मुझे लगता है दिस विल बी 0.9 मीटर पर सेकेंड। भाई पूरा 1 तो 210 होता है तो आ जाता 1 कम है तो 0.9 समथिंग 4.95 ऐसे कुछ करके आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, और आप इसको कॉपी कर लो। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसको कॉपी करिए क्विक। ओके क्लास, नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, मतलब यहां से चलता है होम और जो भी ट्रैक हो यहां पहुंचता है स्कूल, कंप्लीट्स एवरेज एवरेज कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स। आंसर, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज एक्स, राइट। तो अभी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज एक्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो पूरे ट्रिप की टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? देयरफॉर टोटल ऑफ हिज ट्रिप इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? आना और जाना। तो अब देखो पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है तो टाइम देखें पहले,
तो टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम होम टू स्कूल, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो होम टू स्कूल तक की वेलोसिटी क्या दी है 20, यानी x अपॉन 20 राइट। जब घर से स्कूल जा रहा है तो उस समय एवरेज वेलोसिटी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की, और डिस्टेंस x है तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ऐसे ही टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम स्कूल टू होम इज इक्वल टू x बाय 30। ये समझ में नहीं समझ में आया भाई, यहां से यहां तक जाने की एवरेज स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस मालूम है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, सॉरी टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस x है वेलोसिटी 20 है, ऐसे रिटर्न का निकाल लिया। तो अब जाने और आने का टोटल टाइम क्या होगा, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू x बाय 20 प्लस x बाय 30 एलसीएम 60 3x plus 2x that is 5x by 60 राइट ये टोटल टाइम हो गया 5x by 60। अब मैं यहां कर रहा हूं तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गई और टोटल टाइम आ गया, तो हमको क्या निकालना है पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड। तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था बेटा, इट वॉज 2x एंड टोटल टाइम क्या है 5x बाय 60, यानी 60 ऊपर जाएगा x कैंसिल 60 इंटू 2/5 That is 24 किलोमीटर पर आवर राइट, दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। आपको ये नहीं देखना कि एवरेज जो दोनों का सम करके दो से करते हैं, अगर वो करेंगे तो 20 + 30/2 यानी 50/2 दैट इज 25 एंड दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए पूरे ट्रिप की, फिर पूरे ट्रिप का टोटल टाइम निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। तो आज का हमारा लेक्चर, नॉट लेक्चर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल यहीं पे कंप्लीट होता है। टुडे यू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कॉपी कर लीजिएगा, हाँ कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर मोशन ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से राइट। जैसा मैंने पिछले क्लास में किया था, क्वेश्चन लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स, ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी A इज इक्वल टू 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, फॉर 8 सेकेंड, टाइम 8 सेकेंड। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट में है और वो
एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती है और चलती है 8 सेकेंड, तो ऐसी कंडीशन में इस 8 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सब कुछ दिया हो मैंने पहले नोट कर दिया क्वेश्चन के साथ। U0 A 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड T 8 सेकेंड। व्हाट इज द S? वी विल यूज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कितना है? 0 × 8 प्लस 1/2 A, A इज 3 × T² 8 × 8, दैट्स इट। दिस विल बी 4, यानी 0 प्लस 96 एंड दैट इज 96 मीटर, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट? समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगाने के पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन में डिजिट्स दी गई हैं उनको नोट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विच फॉर्मूला विल रिलेट जिसमें ये डिजिट्स होंगी। और वही मैंने किया है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहां से 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लिया। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? तो अभी आप एक काम करिए, मैं वीडियो पॉज कर आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं भी वीडियो पॉज करूंगा, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा यहां पर और इसको सॉल्व करूंगा। यस, ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 km/h अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो स्पीड स्लो होगी, यानी रिटार्डेशन होगा, और यहां पे बोला गया अप्लाई एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिटार्डेशन हो गया। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, राइट? 54 km/h की स्पीड से चल करके 5 सेकेंड में रुक जाती है। और उसके बाद कहते हैं अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 km/h, हो सकता है किसी बुक में और कुछ दिया हो जो वैल्यू होगी 34 km/h इन अनदर कार, दूसरी कार में अप्लाइज द ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में रुकता है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टू कार्स ग्राफ फॉर द टू कार, दोनों कार के लिए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है। एंड उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्स फर्दर आफ्टर ब्रेक सप्लाई, और कौन सी कार ज्यादा दूर तक चलती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है और 1 km/h है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। यानी दो कार ले रहे हैं, कार ए, इसका क्या होगा, कार ए स्पीड इज इक्वल टू 52 km/h, यानी 52 × 5/18, और ये आपको देगा अप्रोक्स 14.4 m/s, राइट? अब कहते हैं कार बी स्पीड 34 km/h, दैट इज 34 × 5/18 एंड दैट विल बी अप्रोक्स 9.4 m/s। एक्चुअली आपको मालूम ही है ना, टू कन्वर्ट km/h इंटू m/s वी मल्टीप्लाई द टर्म बाय 5/18, राइट? दोनों की स्पीड आ गई। हमको ग्राफ खींचना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये ग्राफ खींच लिया, ये किस चीज का है,
स्पीड टाइम, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स में, और स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड में, तो 52 किलोमीटर पर आ रहा है, 14 आ रहा है, 34 आ रहा है, 9, यानी मैं क्या करता हूं 5, 10, 15 ऑनवर्ड बात करता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, कार ए स्टार्ट करती है 52 किलोमीटर पर आ, यानी 14 किलोमीटर पर आ, यानी 15 से थोड़ा कम यहां पे, ठीक है, और स्टॉप करती है कितनी देर में, 5 सेकंड में, तो 5, 4, 5, 6 यानी है, तो इसका मतलब यहां से चलेगी और ये रिटार्डेशन होगा, यहां रुक जाएगी, ये कौन सा है, दिस इज कार ए, राइट। फिर कहते हैं सेकंड कार स्टार्ट कर रही है, सेकंड कार कहां से स्टार्ट करती है, 34 किलोमीटर पर आर, यानी 34 किलोमीटर पर आर का मतलब 9.4, तो 10 से थोड़ा लेस यहां से, और स्टॉप कहां पे हो रही है, स्टॉप इन 10 सेकंड, तो इसका मतलब ये जाकर के 10 पे रुकेगी, ठीक। ये कौन सी कार है, दिस इज कार बी, ग्राफ प्लॉट हो गया, चाहे इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिए या प्लेन पेपर पे जैसे मैंने किया, वो दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बात कहते हैं विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर, कौन सी ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है ना, विच कार विल ट्रेवल, क्योंकि स्पीड टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस का होता, डिस्टेंस का होता तो हम देख के बता देते, लेकिन स्पीड टाइम का ग्राफ है तो कौन सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय फाइंडिंग द एरिया एनक्लोज्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से करता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो इसके बाद देयरफॉर वो ग्राफ बन गया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, अब हम नेमिंग कर देते हैं, ओ पी क्यू आर एस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज इक्वल टू एरिया, कार ए है तो ओ पी क्यू एंड दैट इज 1/2 बेस ओ क्यू इंटू ओपी एंड दैट इज 1/2 ओ क्यू कितना है, दैट इज 5 इंटू ओपी कितना है, दैट इज 14.4, राइट, और ये कितना आ जाएगा 7.2 एंड दैट इज 36 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज 36 मीटर। अब मैं यहां पे करता हूं सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस बाय कार बी इज इक्वल टू एरिया, बी कार ये वाली है ना, ओ आर एस दैट इज 1/2 इंटू ओ एस इंटू ओ आर दैट इज 1/2, ओ एस कितना है 10 इंटू ओ आर कितना है 9.4 दैट इज 5 दैट इज 47 मीटर, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज 36.0 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इज 47 मीटर। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, कौन सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हा? कार बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विच कार ट्रेवल्स फर्दर, इसके लिए आंसर कार बी, राइट, ये कैलकुलेशन के बाद यू विल राइट कार बी ट्रेवल्स द फादर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड।
क्लियर. तो नाउ दिस इज योर टर्न टू नोट इट डाउन. ग्राफ बनाना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, अदरवाइज कॉपी. थैंक यू. इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसको कॉपी कर लीजिए. ओके क्लास, नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पे बना है, बुक में देखिएगा. मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या है, डिस्टेंस और ये है टाइम. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी इज शोन हियर ऑन द ग्राफ पेपर. कहते हैं आंसर द फॉलोइंग. क्या आंसर करना है? पहला पार्ट, विच ऑफ द कार इज ट्रेवलिंग फास्टर. ए कार का स्लोप ये है, बी कार का स्लोप ये है और सी कार का स्लोप ये दिखाया गया. अब कौन सी सबसे तेज चल रही है, सोचिए. स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कौन बताता था? स्लोप. और मैंने ये भी बताया था कि इफ द स्लोप ऑफ ग्राफ इज मैक्सिमम इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम. दैट इज द ग्राफ हूज स्लोप इज मैक्सिमम विल ट्रेवल विथ ग्रेटेस्ट स्पीड. जो पूछा गया है फास्टेस्ट कौन चल रहा है, तो हमको ये इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिखाई दे रहा है, यही सबसे ज्यादा स्लोप है ना, बी. तो आंसर क्या हो जाएगा? कार बी. यस, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है. क्यों? सिंस स्लोप इज मैक्सिमम, राइट. सेकेंड पार्ट, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या तीनों कभी सेम पॉइंट पे हैं? तो देखो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं. अगर हम पूछते कि सी और बी कभी एक पॉइंट पे हैं, ये बी है ये सी है, यहां पे है, यस. हम पूछते क्या कभी ए और बी एक पॉइंट पे हैं? हाँ है ए और बी. मैं पूछता कभी ए और सी एक पॉइंट पे हैं? हाँ है. यानी दो कार तो एक साथ एक पॉइंट पे मिल रही है रोड पे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया क्या तीनों एक साथ मिल रही हैं? कहीं तीनों एक पॉइंट पे कट करी? बाय द वे तीनों एक पॉइंट पे कट करती तो होता यस, लेकिन तीनों लाइन एक ही कट तो कर रही है एक दूसरे को, लेकिन एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रही है. एंड देयरफॉर नो. इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल थ्री लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, राइट. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए. बी पासेस ए, बी ए, ये इसका मेजरमेंट जो दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर. अब कहते हैं जब बी ए को पास करती है तो उस समय सी ने कितना, हाउ फार द सी हैज ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सी ने कहां से चला? सी जो है ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला, और वो चल के यहां से आ रहा, यानी 2 से चलता है. और जब ये क्रॉस कर रहे हैं वहां पॉइंट क्या है? 8. तो 8 - 2 हो जाएगा, दैट इज 8 - 2 इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट. तो दिस इज द आंसर फॉर ग्राफ. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स. क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आपके हो गए 6 questions. पहले वीडियो में 3 question है और सेकंड वीडियो में 3 question है. इसके बाद मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके रिमेनिंग 4 questions होंगे. इसको कॉपी कर लीजिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? इन माय दिस लेक्चर I will solve remaining numericals of the chapter motion, physics of class 9th. 7th question from the NCERT book, it is written here, a ball is gently dropped from the height of 20 meter. Initially from the top of height, then its initial velocity was 0. And from the top of height, h is equal to
20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, that is the acceleration 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? That is, what will be its final velocity? And after that, after what time will it strike the ground? And also you have to find time. Students, देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये हाइट है 20 मीटर की. यहां से एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ड्रॉप किया जाता है. तो यू नो वेरी वेल व्हेन इट विल फॉल इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड स्ट्राइक टू द ग्राउंड. द टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. यू नो वेरी वेल व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड its velocity increases. So what will be the velocity at that time? You have to find that one. And second what? Second, after how much time it will strike the ground? So we are taking here, terms are given here. H is equal to ut plus half at square 0 into Sorry, you have to find the V na, H is given. So V square is equal to U square plus 2A S. Okay, or H ki jagah if we write here S distance, then it's okay. So put it here, V square 0 square plus 2 into A is 10 into S is 20. That is 400. And therefore V is equal to 20 meter per second. Square root of 400, that will be 30. कहने का मतलब जब ये fall करके ground पे strike करने वाली होगी उस समय इसकी velocity क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? राइट. मैंने फॉर्मूला लिख दिया था h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. उसे कोई मतलब नहीं था, है ना? उसमें s था, फाइनल वेलोसिटी का कुछ था ही नहीं. h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हाँ, उससे क्या निकलता? आपको टाइम निकाल आता. फिर टाइम को रख के निकालते, कोई बात नहीं. ये हो गया वेलोसिटी. एंड आफ्टर हाउ मच टाइम t, आपको मालूम है V is equal to U plus AT, सारे टर्म दिए गए. V कितना है? 20, अभी निकाला आपने. S is equal to 0 plus A है 10 into T, यानी 10 T is equal to 20. तो T is equal to 20 by 10, that is 2. तो T is equal to 2 second. Right? अब एक चीज देखो, जैसा हम लोग, मैंने कहा अभी ये सॉल्व हो गया, दो दो पार्ट आ गए. मैं एक थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मैंने शुरुआत में लिखा था h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. h ये हो जाता 20, u इंटू t प्लस हाफ इंटू a की जगह 10 इंटू t स्क्वायर. तो 20 ये तो जीरो हो गया. ये हो जाता 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 by 5, 4, यानी t is equal to 2, 2 second. कहने का मतलब, equation of motion, एक ही उससे नहीं आएगा, आप दूसरे से भी कर सकते हैं. देखिए, मैंने time निकाला, ये, कैसे निकाला? पहले भी निकाल लिया. v मुझे चाहिए था, इसलिए भी निकालना पड़ेगा. इसके अलावा कोई काम नहीं, रास्ता नहीं है. ठीक, अब, फिर, इस फॉर्मूले से निकाल लिया. खाली टाइम निकालना, तो आप इससे भी निकाल सकते थे. दोनों सही है. ठीक है, तो एक ही करिएगा, ओनली दिस वन, खाली समझाने के लिए. अब आप इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करता हूं. कॉपी करिए. ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये ग्राफ दिया गया है स्पीड टाइम
इससे आपको फाइंड करना है दो चीजें क्या, हाउ फार डज कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, टाइम है सेकेंड में 2, 4, 6, 8, 10, 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फाइंडिंग द एरिया, ठीक है, एरिया किसका फाइंड करना है, तो 4 सेकेंड तक क्या है ना, तो 4 सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखते हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है ये इससे आकर के मिल रहा है, अगर हम ओ ए बी नाम दे दें तो ये क्या क्लियर होगा, आंसर डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ओ ए सी, और ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी 1/2 ओ सी इंटू ए सी। अब आप कहेंगे ट्रायंगल ये तो कर्व पाथ है, ट्रायंगल है नहीं है, हाँ ठीक है अप्रोक्स हम इसको स्ट्रेट ही मान लेंगे, है कर्व नो डाउट, हम अप्रोक्स एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्या मतलब अगर हम शेड करें तो ये हुआ ना, ये एरिया होगा, और अदरवाइज इस ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल हमारा ये बनता है, वो पोजीशन है नहीं, तो इसीलिए बताने के लिए आपको कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लें अगर हम, तो दैट विल बी द एरिया एंड दैट इज 1/2 इंटू ओ सी इज 4 इंटू ओ ए इज 6 दैट इज 12 मीटर, ठीक है, दिस इज द आंसर, एरिया विल बी 12 मीटर, क्लियर, कोई डाउट किसी को, नो, ओके, आफ्टर दिस स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट इज विच पार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट, और हमको ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो आप सेकेंड पार्ट में कह सकते हैं क्या, पार्ट ए बी, क्यों, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, और कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ए बी पार्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीडियो पॉज करिए इसको नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ये दो पार्ट दिए गए हैं, किस कंडीशन में पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ना, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, दो स्टेटमेंट ये कंप्लीट है, देखिए पहली बात कहते हैं एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो होने पर एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट, चेंज इन वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, एक ऑब्जेक्ट है मैंने इसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जब ये टॉप पॉइंट पर आता है हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाता है ना, उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, एट टॉप पॉइंट ऑफ पाथ व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड, टॉप पॉइंट पर क्या होगा, दिस टाइम वेलोसिटी विल बी जीरो बट acceleration will be equal to 9.8 meter per second square, that is constant, right, पहला पार्ट, और सेकेंड पार्ट क्या कहता है,
कि सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही हो और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर काम कर रहा हो. सीधा सा देखो, ऑब्जेक्ट अगर यू मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर काम करेगा. इसका मतलब इफ या व्हेन horizontally, then acceleration due to gravity will be perpendicular. That is right. दोनों के आंसर हो गए, ठीक है. These are the two answers. तो फिर वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें क्विक. यस, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. कहते हैं An artificial satellite is moving in circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर. यानी ये अर्थ अगर मान लें तो इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रहा है. इसका रेडियस क्या है? R इज इक्वल टू, ये R है, यहां लिख देता हूं आंसर. R इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर, ठीक है. एंड इट टेक्स टाइम, टोटल टाइम टू कंप्लीट वन राउंड इज 24 आवर. कैलकुलेट द स्पीड, यू हैव टू फाइंड द वी. यस, आपको भी फाइंड करना है तो सीधे सीधे मतलब हो गया वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस विल बी 2πr एंड द टाइम विल बी टी. अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लीजिए. अब इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, चाहे तो इसको किलोमीटर में ही और इसको आर में रखा है, सेम पैटर्न पे किलोमीटर पर आर में आंसर आ जाएगा. या आप चेंज कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी इंटू 10^3 और आर को सेकंड में कर लीजिए, यानी 24 आर. 24 × 60 × 60 मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 42,250 × 1,000 मीटर. किलोमीटर को मीटर में, 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर. और ऐसे ही टाइम को करेंगे तो 24 × 60 × 60 सेकेंड. तो आप जब यहां पे रखेंगे तो दैट विल बी 2 × π की जगह 22/7 × r की जगह 42,250 × 1,000 डिवाइडेड बाय 24 × 60 × 60. ये भी इंटू हो जाएगा 22/7. अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो दिस विल गिव यू रिजल्ट, आंसर हो जाएगा एंड आंसर विल बी इन द मीटर पर सेकेंड. और अगर आप आंसर फाइंड करते हो किलोमीटर पर आवर में तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिस अपॉन दिस 2π × 24, दैट्स इट, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. नाउ दिस इज ओवर, दिस चैप्टर इज कंप्लीट. सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है. क्वेश्चन आपको करे कराए कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रटेंगे आप आंसर को ना. इट्स वेरी सिंपल, कॉपी कर लीजिएगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.